कोई कंप्लेन आज नहीं। विश्व पर्यटन दिवस है। हर साल 27 सितंबर को विश्व स्तर पर पर्यटन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ओर से साल 1980 में पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। इस बार विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम पर्यटन और शांति, यानी कि पर्यटन को विश्व स्तर पर स्थान देने के साथ शांति बनाए रखना रखी गई। इस मौके पर सभी राजकीय संग्रहालय और स्मारकों में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया। जयपुर के पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की खासी भीड़ नजर आ रही है। प्रवेश निःशुल्क रहने के चलते विदेशी पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे भी पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। राजकीय संग्रहालय और संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों का भी राजस्थानी अंदाज में स्वागत सत्कार किया गया। राजस्थानी परंपरा को देखकर पर्यटक उत्साहित दिखे, तो वहीं पर्यटकों ने जयपुर के अलवर्ट हॉल और उसमें रखी संरक्षित वस्तुओं को देखकर उनका इतिहास भी जाना। फ्री में एंट्री भी मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। जयपुर की अपनी अलग कला संस्कृति है, काफी हेरिटेज यहाँ पर है जी। किस तरह से आपने सुना था यहाँ पर, पाया है, आपने देखा भी? वैसे बहुत साल से सोच रहा हूँ कि जयपुर आना है, यहाँ का हिस्ट्री सीखना है, देखना है, तो आई एम एक्साइटेड टू सी ऑल दिस। हाँ, बिल्डिंग भी ठीक है और ये जो हम चीज़ें देख रहे हैं, हमारे पुरानी चीज़ें जो पुराने लोगों की हमारी धरोहर चली आ रही है, ये चीज़ें देखो तो अच्छा लगता है कि यहाँ कभी ये भी था, इसी से हमें पता चलता है। इस अवसर पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया। इसमें देशी विदेशी सभी प्रकार के पर्यटक निःशुल्क रहेंगे और देखा गया सुबह से ही कि पर्यटक काफ़ी आ रहे हैं, स्कूली बच्चे भी काफ़ी आ रहे हैं, उसके अलावा पर्यटक भी ग्रुप के ग्रुप आए और हमारे द्वारा सबसे पहले पर्यटकों का स्वागत किया गया, माला पहना करके, तिलक लगा करके, छोटे बच्चों को टॉफ़ी दे करके उनका स्वागत किया गया। इसके अतिरिक्त आज शाम को अल्बर्ट हॉल पर एक सांस्कृतिक